देश के प्रख्यात युवा संत और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय महाराष्ट्र के पुणे में 3 दिवसीय हनुमंत कथा के आयोजन में पहुंचे हैं, जहां पर उनसे मिलने के लिए फिल्म सितारों से लेकर कई बड़ी हस्तियों की लाइन लगी हुई है। हम आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पुणे में 3 दिवसीय हनुमंत कथा कर रहे हैं। इसी आयोजन के बीच उनसे कई बड़ी हस्ती भी मिलने के लिए पहुंच रही हैं। इसी तारतम्य में उनसे मिलने के लिए साउथ इंडियन फिल्म के जाने माने अभिनेता देव गिल पहुंचे। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद उनकी आने वाली फिल्म का ट्रेलर भी बागेश्वर धाम को अपने फोन में दिखाया। साउथ इंडियन फिल्म के जाने माने अभिनेता देव गिल ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपने आने वाली फिल्म का ट्रेलर दिखाया और उनसे फिल्म के बारे में चर्चा की। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी देव गिल की आने वाली फिल्म का ट्रेलर देखकर उनकी सराहना की। अपने वाले में और 7 लैंग्वेज में साधु जी सीताराम बचाने बेटे को भेज दिया। मेरी माँ ने ना के बाद जब मुझे राजमौली जिन्होंने भोगली तो उन्हीं की टीम को लेकर मैंने फिल्म बनाई, माँ के लिए बनाई। ये कहानी माँ और बेटे की है, बस आपको दिखाना चाहता हूँ। इस दिन का वे सभी से इंतजार करती रही और आज शिव जी ने इस बदकिस्मत माँ की बात सुन ली और तांडव मचाने बेटे को भेज दिया। अब हम सब अपनों से मिल पाएंगे। आप किसी भी हाल में हमें यहाँ से निकालो भैया। तड़प के मरने का समय आ गया है रे असुर। असुर हूँ मैं, रावण जैसा असुर। इस युद्ध में बादशाह अपेक्षा मोटा राक्षस और कौन हो सकता है।